हाय व्यूअर्स, दिस इज बीबी दत्ता फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनल्सा ब्रांड का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। तो ये जो इनल्सा ब्रांड का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, इसका मॉडल नंबर है माइक्रो WD10 और इसमें आपको 3-in-1 फंक्शन मिलता है, जैसे कि इसमें वेट ड्राई एंड ब्लोइंग फंक्शन है और इसका जो बकेट है वो 10 लीटर का है। तो पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप मिस कर दिए तो स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहां पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो ये रिव्यू वीडियो देखने से पहले आप अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर एक बार देखें। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर सेट है, इसके साथ आपको 4 ब्रश मिलता है, जैसे कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था। इसका ये रिव्यू वीडियो में मैं हर एक ब्रश का कैसे यूज होता है, कौन सा वेट के लिए है, कौन सा ड्राई के लिए है, मैं डिटेल्स में बताया हूँ और आपको लाइव डेमो भी करके दिखाया हूँ। तो इसमें आपको काफी कम प्राइस में वेट ड्राई एंड ब्लोइंग फंक्शन मिलता है, जैसे कि मार्केट में अगर आप वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर खरीदने जाएंगे तो आपको काफी सारे पैसा लगाना पड़ेगा, बट ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये काफी कम प्राइस है एज कम्पेयर टू अदर वैक्यूम क्लीनर। तो ये प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू डिटेल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जैसे कि ये हमारा वैक्यूम क्लीनर, तो यहाँ पे दो उसका आउटलेट है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो एक इसमें सक्शन है जो कि हवा अंदर खींचता है और एक है ब्लोअर जो कि हवा बाहर फेंकता है, और ये है उसका हॉस पाइप। तो ये हॉस पाइप को आप ये आउटलेट में लगा सकते हैं और इसका आगे जो दिया गया है उसमें 3 एक्सटेंशन पाइप दिया गया है। तो ये है उसका एक्सटेंशन पाइप जो कि आपका अकॉर्डिंग जितना लंबा आपको रखना है, 3 आप यूज कर सकते हैं, 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रश है, ये 4 ब्रश यहाँ पे मिलता है आपको, एक ये ब्रश है और एक ये है और 2 छोटा ब्रश दिया गया है। तो ये दोनों को आप वेट एंड ड्राई ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और ये जो छोटा 2 दिया गया है ये ओनली ड्राई के लिए है। अगर आप डेली बेसिस में आपका घर का साफ सफाई वैक्यूम क्लीनर से करना चाहते हैं तो ये काफी यूजफुल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रबर दिया गया है नीचे की तरफ और यहाँ पे एक ब्रश टाइप का दिया गया है। तो आप इसको वेट एंड ड्राई ये दोनों के लिए डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम घर का झाड़ू करते हैं तो इसको लगा के अगर आप वैक्यूम करते हैं तो आपका घर काफी बारीक जो डस्ट है वो भी इसमें आ जाता है, तो ये काफी इफेक्टिव है डेली यूज के लिए। और ये भी एक है जो कि वेट एंड ड्राई आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर ज्यादा गीला कचरा आपको उठाना है तो आप इसको ही यूज कीजिए, तो ये काफी बारीक से गीला कचरा को ये उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रबर है ये काफी बड़ा रबर दिया गया है और यहाँ पे जो ब्रश दिया गया है ये भी काफी बड़ा ब्रश है। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा रबर दिया गया, छोटा ब्रश दिया गया है, बट यहाँ पे ये बड़ा रबर दिया गया है और बड़ा ब्रश दिया गया है। और ये जो दोनों है इसको आप बारीक जगह से डस्ट उठा सकते हैं या डस्ट को बाहर फेंक सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इस टाइप का है, ये भी ऐसे मूव होता है, आप आपका अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पाइप में अगर आप इसको लगाते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। और ये जो ब्रश है इसको आप काफी बारीक जगह से डस्ट उठा सकते हैं, तो ये ऐसे मूव होता है, तो इसको भी आप यहाँ पे लगा के काफी बारीक जगह से आप धूल वगैरह निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये जो ब्रश है इसका यूज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा विंडो में जो स्लाइड विंडो रहता है उसके नीचे कचरा फंस जाता है, तो आप इससे वो कचरा को उठा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये हॉस पाइप जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो अभी हम जो डस्ट है उसको वैक्यूम में सक्शन करेंगे, मींस जो कचरा है उसको खींचेंगे। और यहाँ पे जो ये ब्लैक पर्सन में दिया गया है ऊपर, इससे आप कचरा बाहर फेंक सकते हैं, मींस जो कोई जगह में कचरा है अगर वो आपका विंडो के पास या डोर के पास है तो आप ये ब्लोअर यूज करके वो धूल को उड़ा सकते हैं, बट यहाँ पे लगाते हैं तो ये कचरा जो है ये बकेट के अंदर खींच लेता है।
तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज में ध्यान देना है, जैसे कि ये वैक्यूम क्लीनर को मैं यहाँ पे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिल्टर लगा है ये डस्ट फिल्टर है। मीन्स जैसे कंपनी दो डस्ट फिल्टर देता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दो डस्ट फिल्टर दिया गया है। तो ये अगर आपको सूखा कचरा इसके अंदर खींचना है तो आपको ये बैग यूज करना है, अगर गीला कचरा आप खींच रहे हैं तो आपको ये यूज करना है। तो अभी हम सूखा कचरा जो है इसके अंदर खींचेंगे, तो इसीलिए ये जो डस्ट फिल्टर या डस्ट बैग बोल सकते हैं इसको मैं लगाया हूँ, और इसको लगाने का काफी इजी है। जैसे अभी मैं ये बैग लगा के आपको दिखाता हूँ, तो इसको सीधा ऐसे अंदर लगा देना है, यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, आपको ऐसे लगा देना है और इसको टिल एंड तक ऐसे खींच देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप दिया गया है, ये कैप को आपको ऐसे लगा देना है। इसको लगाने का मतलब ये है कि ये जो मोटर है ये मोटर के अंदर डस्ट ना जाए, तो इसीलिए ये डस्ट फिल्टर यूज होता है। तो यहाँ पे जो ये जो जगह है यहाँ पे काफी सारे कचरा फंस जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे कचरा है। और एक जैसे मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाया था, तो ये जो जाली रहता है इसमें भी काफी कचरा फंसता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम मैं जो दिखाया था इतना क्लीन कर दिया था, एक पार्ट खाली रखा था इसको रिव्यू वीडियो में दिखाने के लिए। तो ये जगह आप साफ देख सकते हैं ये गंदा है, और ये काफी उसका कंपेयर में साफ है। तो पहले मैं ये छोटा जो ब्रश है उस पे दिखाऊंगा आपको ये कचरा कैसे क्लीन होता है। तो जैसे देखे अभी आप ये एरिया क्लीन हो गया। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी घर में स्टार्टिंग से अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं और वो भी हर 15 दिन या हर हफ्ते यूज करते हैं, तो जो सफाई है वो मेंटेन रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बारिश के टाइम में यहाँ पे कुछ कचरा जो है वो यहाँ पे बैठ गया है, मींस पानी और डस्ट दोनों बैठ गया है। तो इसको एक बार आप निकालने के बाद नेक्स्ट टाइम जब से वैक्यूम करेंगे तब से ये क्लीन होगा। जैसे कि अभी ये पूरा जो डस्ट है ये बैठ गया है, तो इसको कितना भी वैक्यूम करो तो ये निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए इसको कोई भी कपड़ा वगैरह में आप साफ कर दीजिए, उसके बाद से कंटिन्यूस अगर वैक्यूम करते हैं तो ये क्लीन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रिज का बैक साइड है, तो यहाँ पे काफी छोटा सा जगह है, तो वो जगह में आपको साफ करना है तो इस टाइप का ब्रश यूज करना पड़ेगा, या जो दूसरा ब्रश दिखाया था उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये जगह में आप इसको ऐसे अंदर डाल के कर सकते हैं, तो ये जगह में अगर आपको साफ करना है तो ये इजीली उसके अंदर जा सकता है, बट अगर आप कोई बड़ा वाला ब्रश यूज करेंगे तो इसके अंदर वो जा नहीं सकता। और इसको जब भी आप यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ये जो सरफेस है सरफेस के ऊपर इसको ऐसे चिपका के आपको क्लीन करना है, तब जाके ये जितना भी डस्ट है उसको खींच पाएगा। अगर आप ऊपर ऊपर से ऐसे मूव करेंगे तो अच्छा तरीके से क्लीन नहीं कर पाएगा। जैसे ये सरफेस है, सरफेस में आपको इसको चिपका के ऐसे मूव करेंगे तो ये इजीली क्लीन हो जाएगा और आपका सरफेस को पूरा क्लीन कर देगा। तो अभी हम ये जो बड़ा ब्रश है इसको यूज करेंगे, जैसे कि मैं लास्ट में आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया में काफी गंदा है और ये एरिया साफ है, तो इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीन करने के बाद ये जो ब्रश है इसमें गीला कचरा आप कैसे क्लीन करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो ब्रश है इसमें पीछे एक स्विच दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आगे का ब्रश जो है ये आगे आ गया, और इसको बंद करने से ब्रश जो है वो पीछे चला जाता है। तो अभी आप ये एरिया देख सकते हैं ये काफी क्लीन हो गया, और यहाँ पे मैं ब्रश को आगे करके यूज कर रहा था, मींस ये ब्रश अभी देख सकते हैं ये आगे है, मींस ऐसे जगह में आप ये ब्रश को आगे कर देंगे तो ये डस्ट जो है इजीली निकल जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं
ये फैन में काफी सारे डस्ट है, तो ये फैन का डस्ट को आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, तो अभी हम ये जो ब्रश है इसके थ्रू में ये फैन का जो डस्ट है उसको निकालेंगे। तो जैसे ये फैन वगैरह को क्लीन करने के लिए, तो आप इसे ऊपर से इसको क्लीन मत कीजिए, कोई भी एक ऊंचा जगह में चढ़ जाइए आप, या आपके पास अगर कोई भी स्टूल रहा तो ऊपर चढ़ के अगर आप इसको करते हैं तो ये आराम से क्लीन हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसको पकड़ के अगर आप ऐसे क्लीन करोगे तो ये बेटर क्लीन होगा। तो ये काफी क्लीन हो गया, तो मैं अभी क्लोज लुक आपको दिखाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं फैन का हर एक ब्लेड में जस्ट एक टाइम उसको क्लीन किया, फिर भी आप देख सकते हैं ये काफी क्लीन हो गया। तो अभी ये सोफा आप देख सकते हैं ये काफी गंदा हो चुका है, इसको भी आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये ब्रश का जरूरत पड़ेगा जो मैं पहले आपको दिखाया था, ये ब्रश का जरूरत पड़ेगा। तो पहले आप इसमें कोई भी फोम या लिक्विड से आपको साफ करना है वो पहले लगा दीजिए, उसके बाद इसमें वैक्यूम से आप क्लीन कर सकते हैं। तो अभी सोफा में मैं ये जगह में लिक्विड लगा दिया हूं इसको क्लीन करने के लिए। तो अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी ब्राइट हो गया। तो सेम मैं उसका दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं, तो यहां से आपको पता चलेगा ये साइड देखिए काफी येलो कलर है, और सेम अभी आप ये साइड देखिए ये काफी ब्राइट हो चुका है एंड व्हाइट हो चुका है। तो दोनों को एक साथ कवर करके मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड है ये काफी गंदा दिख रहा है और जो राइट साइड है ये काफी साफ हो चुका है। तो इस एरिया में आप इसमें आपका सोफा वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ डस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ डस्ट डाल दिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पानी भी डाल देता हूँ उसके साथ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गीला भी हो गया और यहाँ पे धूल के साथ यहाँ पे पानी भी है। तो अभी हम इसको ये वैक्यूम क्लीनर से पूरा क्लीन करेंगे। तो उसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल के साथ कुछ छोटा पत्थर भी है और यहाँ पे पानी भी है। तो अभी मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये जितना भी पानी था मैक्सिमम पानी को यहाँ पे सब खींच लिया। तो उसके बाद अगर हमको बारीक में सभी पानी को क्लीन करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये एकदम क्लीन हो गया, जबकि हम यहाँ पे धूल और मिट्टी के साथ पानी डाल दिए थे फिर भी ये एरिया को क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम अभी कुछ गीला कचरा यहाँ से हम वैक्यूम क्लीनर में खींच लिए अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी के साथ मिट्टी पड़ा है और यहाँ पे उसका फिल्टर है ये, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी लगता है। तो आप जैसे ही क्लीन करते हैं उसके बाद ये जगह को थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये फिल्टर यूज होता है। तो ऐसे भी यूज करने के टाइम पानी नहीं जाता, फिर भी यूज करने के बाद आप इसको एक बार क्लीन कर दीजिए। तो जैसे ही आपका क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको ऐसे अनलॉक कर दीजिए, तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो पर्सन है जहाँ पे उसका मोटर है ये जगह को ओनली गीला कपड़ा में मॉपिंग करना है, या कोई भी कपड़ा में इसको पोंछ दीजिए, और बाकी जो बकेट है ये बकेट को आप फुली वॉश कर सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर पानी डाल के भी इसको साफ कर सकते हैं। बट इसको या इसके ऊपर पानी मत डालना, इसको जस्ट आप कोई भी गीला कपड़ा में इसको पोंछ देना है,
तो ये क्लीन हो जाएगा और इसको आप पानी डाल के क्लीन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इनलसे ब्रांड का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।